दुर्की से संतोष कुमार की रिपोर्ट। भारतीय आदिम जनजाति परिषद एवं भारतीय भूया विकास परिषद तथा भारतीय आदिवासी विकास परिषद प्रखंड कमेटी दुर्की ने मंगलवार को पैदल मार्च निकालकर रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में भूया समाज एवं अन्य आदिम जनजाति सभी ने मिलकर मांदर बजाते हुए प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम 12 सूत्री मांगों को बीडीओ श्री रोशन कुमार दुर्की को ज्ञापन सौंपा। वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा 2008 कानून को कड़ाई से लागू करते हुए वन पर आश्रित परिवारों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएं। पूर्व दिनों से 20,000 एकड़ 57 डिसमिल लैंड बैंक में रखा है, उसे पुनः लाल पर्चा द्वारा भूमि को ऑनलाइन किया जाए। आदिम जनजातीय डाकिया योजना के राशन दुर्की प्रखंड में बिचौलिया दलाल के द्वारा संचालन कराना बंद किया जाए। केंद्र सरकार के काला कानून तथा यूपी एक्ट को रद्द किया जाए। दुर्की प्रखंड के आदिम जनजाति डाकिया योजना में सरकार के नियम कानून का पालन कराते हुए स्वयं सेवक के द्वारा राशन वितरण किया जाए। विधवा, विकलांग, वृद्धा, विधवा पेंशन में 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह लागू किया जाए। वन तथा वन भूमि पर आश्रित भूमियार, खरवार, कोरवा, परहिया, मुसहर, तुरिया, लोहरा, अगरिया परिवार को वन पट्टा दिया जाए। भूमिया समाज के विकास करने के लिए भूमिया मुसहर दलित बोर्ड का गठन किया जाए। आदिम जनजाति समाज की तरह भूया खरवार मुसहर अगरिया को सरकारी मुहैया कराया जाए। राशन कार्ड में 5 किलो चावल को बढ़ाकर 15 किलो चावल किया जाए। आदिवासी आदिम जनजाति दलित को जल जंगल जमीन से बेदखल करना बंद किया जाए। वन भूमि पर आश्रित परिवारों को फर्जी मुकदमा कर जेल भेजना बंद किया जाए। सभी 12 तरह के ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आदिम जनजाति तथा भूया समाज के सैकड़ों महिला पुरुष तथा भारतीय जनमुक्ति पार्टी सुप्रीम उमा शंकर बैगा व्यास तथा सहबीर भूया पलामू प्रमंडल अनुसूचित जाति अध्यक्ष मंगरी देवी, सरिता देवी, विफन कोरवा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।